छे मेरी बीबी से बचाओ, लड़ती है झगड़ती है बहुत ज्यादा लड़ती है। क्या बात है फटफटिया, बड़ी गाली दे रहा है अपनी, बड़े कोस रहा है अपनी घरवाली को। मार्टिन कितनी बार कहा है हमारा नाम कुत्तीलाल झिंझक वाले हैं, आप हमारा नाम ही बिगाड़ के रखते हो, बार बार फटफटिया फटफटिया करते हो। ठीक है ठीक है, बता कुत्तीलाल जी क्यों इतना अपनी घरवाली को कोस रहा है? क्या बताएं मालकिन, मानव तो शादी करके ही बर्बाद। अरे क्या हो गया फटफटिया? अब क्या बताएं मालकिन, अब मैं तो अपनी घरवाली से इतना परेशान हूँ कि कहने की क्या बात है। कभी कहती है लाली ला दो, कभी कहती लिपस्टिक ला दो, अब कभी उसका पाउडर खत्म हो जाता है, कभी उसका सेंट वाला खत्म हो जाता है, और वो एक वो कह रही थी वो डिओडियो ले आओ, वो खत्म हो ही गवा। अरे डिओडियो नहीं होता, डिओड्रेंट होता है। अरे वही वही मालकिन, वही वही डिओडियो, कभी कहती डिओडियो ले आओ। तो फिर ला देना, तेरे से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? मालकिन कहा कैसे लाते हो, अब दाल आटा रोटी चावल का चक्कर खत्म हो जीवन से, तब तो मानव कुछ ला के दे। अब उसकी सेंटवा और डीओडीओ कहाँ से ला दे हम? और जो तनख्वाह तेरे को मिलती है उसका क्या करता है तू? अब मालकिन 2000 रुपया देती हो, और ससुराल का भी काम सारा करवा लेती हो, मायके का भी काम करा लेती हो, अब 2000 में किसी का कोई जीवन चलता है? अब मानो बेचारा मरे नहीं तो क्या करे? अच्छा काम करो। पता नहीं बार बार कहते हैं कि घर वाली बड़ी सुशील है, कहीं से नहीं सुशील लगती मुझको, मालकिन कैसे डांटती रहती है। तेरी घरवाली बड़ी सीधी है फटफटिया, एकदम सीता जैसी है, मान लिया कर कभी कभी उसकी बात। जाओ मालकिन, ये तो हमारे बाऊजी भी कहते हैं कि जो बहू है ना वो सीता जैसी है। अब इसी बात की तो समस्या है, अब हमारे बाऊजी भी कहते हैं कि जो बहू हमारी है ना सीता रूप है। और मालकिन क्या बताऊं, हमारी जिंदगी में अभी तक कोई रावण नहीं आया है, ना हमारी बहुरिया को कोई उठा के लेके गया है। अरे सीता मैया के जब लवकुश हो गए थे तो उन्हें वनवास दिया गया था, अब हमारे यहाँ तो लवकुश कौरव पांडव सब हो गए हैं, तब भी वो वनवास नहीं गई है। अरे मालकिन सीता मैया को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, पता नहीं हमारी बीवी को कब अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा बेचारी वो कहाँ दे रही है, अग्नि परीक्षा तो बेचारे मानव की हो रही पुत्तीलाल की, जहाँ देखो पुत्तीलाल पुत्तीलाल ये ले आ, पुत्तीलाल वो ले आ, पुत्तीलाल क्या करे बेचारा मानव। ज्यादा बकवास मत कर, तेरी घरवाली का नाम बताए तेरे को? पूजा। और काम भी एकदम पूजा वाला करती है। पूजा का मतलब जानता है तू, जो अपन मंदिर में पूजा करते हैं वैसी है तेरी बिल्कुल घरवाली। अरे मालकिन मानव के साथ मानव ने तो धोखा किया, पर ईश्वर ने भी मानव के साथ धोखा कर दिया। कैसे? अब मालकिन जितने भी मंदिर के नाम हैं, पूजा अर्चना साधना आप जोड़ लो, सब फीमेल करेक्टर हैं। अब मेल बेचारे को क्या मिला मंदिर में है आरती में? घंटा। बेचारा बाहर मंदिर के बाहर लटका रहता है, और जो भी आता है बजा के चल देता है। बहुत बकवास कर रहा है, जा मेरे लिए कद्दू लेकर। अरे माँ के रहम करो अपने शरीर में, सुबह से 2 पराठे खा लिए, 2 गिलास जूस पी लिए, ब्रेड और चाय इकट्ठी पी ली, अब दूध। हे मालकिन मालिक का तो सोच लियो, तभी मैं कहूँ कि मालिक का रात को सिर दर्द क्यों होता है, बेचारा मानव क्या कर। आजकल बहुत बोलने लगा है, चल जा यहाँ से फटाफट दूध बना के ला मेरे लिए। चलो पुत्तीलाल यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं मालिक का सोचूं, वो मालिक का भगवान भला बलाए। मालकिन बस देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।